मान जी हमारे बीच में मौजूद, हमारे लेबर सेल के अध्यक्ष फौजी साहब हमारे बीच में मौजूद, पार्टी के मेडिकल सेल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश शर्मा जी, नाम लेते लेते समय बीत जाएगा माफी के साथ, क्योंकि विजय गोठड़ा जी ने शायद कोई नाम नहीं सोचा। मैं तो इधर से शुरू करूंगा, बलदेव जी से और दरमान साहब तक जाऊंगा, गलवीर उमरा जी तक जाऊंगा, तो शायद सब तमाम पार्टी के पदाधिकारी और छोटी काशी रिवाड़ी के इस पावर धरा पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहने युवा साथी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा और पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा, एक बार कैमरा दिखा लो, 5 बजे से 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, ये होते हैं जोश तो सत्ता परिवर्तन लेता। साथियों, आज प्रदेश परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा और आपका भिवाड़ी 47वीं विधानसभा क्षेत्र है जिसे मुझे जाने का मौका मिला, और एक एक विधानसभा में जैसे जैसे मुझे जाने का मौका मिल रहा है, जनता का प्यार और आपके संगठन के प्रति समर्पण ये साबित कर रहा है कि हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है। 1987 वाली लहर दोबारा जनता ने, साथियों आप खुद देखो कि 11 महीने के इस सफर के अंदर जहां लोगों ने, जब हमने एक कदम उठाया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार कि झंडा डंडा सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत से संघर्ष किया जाएगा, उस समय लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे ये तो छोरों का रोड है, फिर अभी बता देगा, स्टेटमेंटें दी गई थी ये तो 200-300 छोरे हंडे हैं, ये कहा गया था इनकी जमानत जब्त होगी। साथियों 11 महीने में तीसरा चुनाव आपको लड़ने का मौका मिल रहा, विधानसभा का उपचुनाव जब आपने लड़ा, जिन लोगों ने आपकी जमानत जब्त कराने की बात करी उनके केवल मात्र 3,454 वोट आए, जो लोग कहते थे ये तो छोरे हैं उनकी जमानत 800 वोटों से बची। साथियों अब भी यही हालात हो रखे, मैं देख रहा था कि खट्टर साहब के सपने में शायद जेजेपी आती है, कल सुबह ट्विटर के ऊपर क्या लिखते हैं, जननायक जनता पार्टी नहीं जेजेपी जमानत जब्त पार्टी है। साथियों एक चीज तो साबित कर देता है, आज भी जो सुबह 7 और 8 बजे के बीच में दिमाग में चीज लेकर आता है वो उसके सही कहीं ना कहीं नींद के अंदर उसकी नींद को खराब करने का काम करती है, और यही हुआ है। खट्टर साहब की हालत देखो, कहते दुष्यंत झूठा है, मैं तो आपसे पूछता हूं कौन सी झूठ बोल। साथियों झूठे तो खट्टर साहब है, प्रदेश के अंदर 5 साल के अंदर मेरे ख्याल से 5 या 6 बार भिवाड़ी आए हों, एक वादा पूरा किया इस हॉस्पिटल के लिए, जो अपने चौक पर है मैम चौक से मैम गेट से आगे, क्या बोल के गए थे इसकी हालत सुधार दूंगा, बता दो 2 नए डॉक्टर भी आए, कोई एक नया बिस्तर भी लगाया, सीवरेज की व्यवस्था सुधारी, कोई भिवाड़ी की गली बनाने का काम किया। साथियों इससे झूठा आदमी क्या होगा जो प्रदेश के अंदर ये कहता है मैं चाइना जाके आया 70,000 करोड़ रुपए लेके आया, मैंने अपनी हरियाणा कराया 1,25,00,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का काम किया, साथियों अमेरिका का दौरा कराया 16,000 का दिखा दिया निवेश, और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रोजगार नया पैदा नहीं कर पाया, बल्कि आज इस हालात पे हरियाणा प्रदेश को ले आया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज 28% बेरोजगारी। अब बीजेपी के अंदर यह हालात बन गई कि अमित शाह आते हैं तो उनके मंच पे खट्टर नहीं दिखते, उनके मंच पे बराड़ा नहीं दिखता, आज फरीदाबाद जाके आया मंच पे फरीदाबाद का सांसद किशनलाल गुजर वहां नहीं थी। साथियों ऐसी हालात बीजेपी में बढ़ चुकी, और खट्टर साहब के पास क्या काम है, हर चीज में मोदी जी को आगे कर देंगे, जैसे मोदी जी ये करके दिखा सकते हैं, मोदी जी ये करके दिखा सकते हैं। एक किसी साथी ने
अभी मोबाइल पे मेरे पे भेजा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। आज मोदी भक्तों की क्या हालात है कि खट्टर साहब को तो आगे रख के चुनाव नहीं लड़ सकते, तो हर चीज में क्या कहते हैं, सारे कहते हैं कि मोदी वाले, सारे मोदी वाले ये कहते हैं मोदी ने यो कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। साथियों, ब्याह तो खट्टर का कराना था, फोटो दिखाया मोदी का। मुझे ये बताओ कि 5 साल में खट्टर साहब ने क्या कर दिया। इस प्रदेश को 4 बार आग लगाने का काम किया, 80 लोगों की जान ली, 70 लोगों को, 40 तो उसमें डेरा प्रेमी थे जिनका क्या दोष था, इनके मंत्रियों ने वहां खाने का रहने का इंतजाम कर उनको पंचकुला बुलाया। साथियों, जलियांवाला बाग के बाद अगर सरकारी गोली से किसी की सबसे ज्यादा जान एक समय में गई तो कश्मीर में भी नहीं गई, हमारे पंचकुला में डेरा प्रेमियों की गई। साथियों, ये क्यों भूलते हो कि ये वो बीजेपी है जिसने 516 साल पुराना संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर जो दिल्ली के अंदर था उसको तोड़ दिया, और आज मोदी जी क्या कहते हैं कि वहां मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर बनारस में बनेगा। साथियों, आज अगर इतने ही आस्था मोदी जी के पास है तो डीडीए तो दिल्ली केंद्र सरकार के अंदर आती है, जमीन लौट करके मंदिर बनाने का उसी जगह काम करे। पर साथियों, आज हम वादा करते हैं आपका राज बनेगा तो संत शिरोमणि रविदास जी का ऐतिहासिक मंदिर कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी नाम बनाने का काम करेंगे। साथियों, आज प्रदेश के हालात क्या है, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दादरी के अंदर मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी बेटियों के ऊपर, मगर मोदी जी आप क्यों भूल जाते हो, 4 दिन पहले तित्रम कैथल के अंदर एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर उसके हाथ पांव काट दिए। आप क्यों भूलते हो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज हर रोज 3 लड़कियों के साथ रेप होते। आप क्यों भूलते हो गुड़गांव इस देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर 20 अनसिक्योर वर्किंग क्लास लड़कियों के शहरों के अंदर से काउंट किया जाता है। साथियों, ये भूल जाते हैं, इनके पास तो एक जवाब है, कोई रेप हो जाए तो हमने महिला थाने खोल। साथियों, आज प्रदेश की यह हालत है कि गुंडा तत्वों को अपने मंच पर खड़ा करने का काम करते हैं। मैं तो आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि अब समझो आज हमारे प्रदेश की यह हालत है, इस देश में 4था क्रिमिनल प्रदेश हम बन चुके, बिहार को भी पीछे छोड़ दिया, हर रोज 1 मर्डर 3 रेप 4 डकैती हरियाणा प्रदेश में होती है, और कहते हैं कि हरियाणा का हमने विकास कराए। मैं देख रहा था अभी जब डॉक्टर साहब के साथ यारथ पे आ रहा था तो एक होर्डिंग लगा हुआ था, उसपे खट्टर साहब की और मोदी जी की बड़ी फोटो थी और उसके नीचे लिखा हुआ था ईमानदार सरकार मनोज सरकार। मुझे ये बताओ, चोर कभी अपने आप को चोर लिखता है, और ईमानदार आदमी को कभी ईमानदारी का प्रतीक नहीं देना पड़ता, कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता, जनता उसको ईमानदार कहेगा काम। साथियों, अपने आप को ईमानदार कह रहे, मैं तो आपसे पूछता हूं, इनसे जाके पूछो, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि फिर जब विधायक था या मंत्री बनाया इतना ईमानदार था तो इसका मंत्रालय क्यों चीज़? पूछने का काम करो कि 5,000 करोड़ रुपए का खदान में घोटाला हुआ इनकी सरकार में, 1,000 करोड़ का किलोमीटर स्कीम घोटाला हुआ इनकी सरकार में हुआ। अगर ईमानदार थे तो ये दुकानों के बाद बिजली के मीटर लगा रखे हैं, साथ ये पहले अंदर हुआ करते थे केवल मात्र गुजरात की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, 100 करोड़ का घोटाला तो इनकी खुद की सरकार ने इसके अंदर मानने का काम किया। साथियों, अगर ये ईमानदार थे तो क्यों इनके एडी डीजीपी डॉक्टर केपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार के दौरान एससी एसटी बच्चों की स्कॉलरशिप के अंदर 24 करोड़ का घोटाला 4 दिनों में हुआ। साथियों, अगर ये ईमानदार थे तो एसटी इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट निकली उस पोस्ट के अंदर क्यों इनकी सरकार में हरियाणा प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 हरियाणा के बाहर के लगे, 80 में से 70 बाहर के लगे। साथियों, ये समझने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से हरियाणा के हिस्से के रोजगार को इनने दिन प्रतिदिन छीनने का काम किया। आज ग्रुप डी में क्या हालात बना है, भिवाड़ी के बच्चों को यमुनानगर पेपर देने भेज दिया। साथियों, समझो
देखो 300-300 किलोमीटर धक्के हमारे बच्चे खा गया और 5 साल बाद खट्टर जी ये कहते हैं कि दोबारा राज बनेगा तो इस व्यवस्था को हम सुधारने का काम करें। साथियों मैं तो धन्यवाद करूंगा उस बहन का जिसने फेसबुक पे जाकर अपनी वीडियो डाली, उसने कहा कि खट्टर साहब मैं तो पेपर दिया ही 300 किलोमीटर धक्के खा के, पेपर भी सिलेबस से बाहर का था, मेरा तो फिर भी काम चल गया। 21 तारीख में आपका भी पेपर है, सिलेबस जनता ने बढ़ाना है खट्टर साहब। साथियों अब तो आपकी जिम्मेवारी इस 21 तारीख को एक एक वोट अपना चाबी का चुनाव चिन्ह का बटन दबा के डॉक्टर भारद्वाज के पक्ष में ताकत देकर उनको मजबूती देने का काम। आपको दिया गया एक एक वोट ये मान लेना कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि के अंदर अगर डॉक्टर साहब को वोट डलता है तो वो वोट आप डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के पक्ष में डालने का काम करें। साथियों मेरी तो विनती है, प्रार्थना है आपसे कि अब समय कम बचा। जब हम भिवानी की बात करते हैं तो एक शेर, जब मैं पहली बार भिवानी आया था एमपी बन के तब एक साथी ने लिख कर दिया था और आज भी वो शेर मेरे कानों में गूंजता है कि सड़क पे गड्ढे खेत बिन पानी, अजय ने याद करे उसकी भिवानी। साथियों जिम्मेवारी है, आज आपकी ड्यूटी है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि मजबूती के साथ एक मन बनाकर एकजुट होकर अपना एक एक वोट जननायक जनता पार्टी के मजबूत उम्मीदवार डॉक्टर एस एस भारद्वाज जी के पक्ष में डालने का काम करेंगे। और साथियों मैं तो एक चीज और कहूंगा, हरियाणा के अंदर पहले कहा गया कि मोटा भाई छोटा भाई 4 और 10 रैलियां करेंगे। अब क्या हालत है कि मोटा भाई छोटा भाई हर रोज हरियाणा में घूमने लगे, आगे क्या कहते हैं हमने 370 हटा दिया, देश इसके लिए बीजेपी को वोट दो। साथियों इनको ये बताने का काम करो कि हरियाणा की धरती तो वो धरती और खास तौर पर भिवानी आके तो मैं कहूंगा हमारा जिला तो वो जिला है जिसके हर घर से एक फौजी फौज में जवान खड़ा है। साथियों आज सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश का बॉर्डर पर है, पाकिस्तान का बॉर्डर हो चाइना का बॉर्डर हो अगर बंदूक ताने कोई जवान खड़ा है तो उनको लोहे के तवे जमाने पर मजबूर करता तो हरियाणा का जवान करता है। मोदी जी आकर हरियाणा को ना बताओ कि देश क्या होता है, हमारी धरती तो वो धरती है कि इसके इतने वीर सपूत शहीद हो गए जितने शायद आज तक गुजरात की धरती ने फौज में जवान भी भर्ती ना कराया। साथियों मेरी विनती प्रार्थना आपसे, जब ये लड़ाई आम जनता की नहीं, ये लड़ाई आप सबकी, बीजेपी बौखलाई भी है 75 बार नहीं इनके तो 30 बार करने भी मुश्किल हो रखे हैं, पर बौखलाहट में क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रही है। कहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी एक डॉक्टर साहब जैसा गरीब ब्राह्मण था, उसके गर्दन पर फरसा लगा के खट्टर साहब क्या कहते हैं तेरी डाढ़ काट दूंगा। साथियों कुचाड़ा की विधायक क्या क्या कहती है कि जो आंख दिखाए उसकी आंख निकाल। इनके आदमपुर की उम्मीदवार कहती है जो भारत माता की जय ना बोले वो पाकिस्तानी। और तो और अनिल जैन जी के काम देखो, जो प्रभारी है यूपी से आगे हरियाणा में 14 करोड़ टिकटे बेच रहा है वो क्या कहता है दुष्यंत तो बंदर है आग लगाता घूम रहा। साथियों मैं अगर आग लगाने वाला होता तो 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, बताओ किस दिन हरियाणा के कमेरे वर्ग की आवाज नहीं उठाई। हमारे ट्रैक्टर पर जब गाज गिरी उस ट्रैक्टर का, जब इसमें कमर्शियलाइजेशन करने का निर्णय लिया केंद्र की सरकार ने, ट्रक की श्रेणी में डालने का काम किया, तो आपका प्यार था जिसने मुझे ताकत दी और उस ट्रैक्टर को पार्लियामेंट में बांट के दोबारा गाड़ा बनाने का काम किया। और साथियों आज भी वादा करता हूँ राज बना दो, ये जो आज ट्रैक्टर के चलान कट रहे हैं ना 60,000-70,000 के, आज जो ये चलान कट रहे हैं मोटरसाइकिल के 23,000 के 25,000 के, खट्टर साहब ने बता दो कि कमेरे वर्ग को जो तोड़ने का उनका मुहिम है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। राज बनने पर पहले दिन ही पुराने मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। और जहां बात बंदर वाली नहीं भाई, ये युवा साथी खड़े हो मैं तो पूछना चाहता हूँ, बंदर तो हनुमान जी का रूप है नहीं है? और डॉक्टर साहब खट्टर साहब को बता देना आज ये वानर सेना तैयार है
उनकी लंका को आग लगाने के लिए। साथियों तैयार हो जाओ, आपके पास समय कम बचा है। अब समय 3 दिन मेहनत का, 4 दिन भूत संभालने का। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जैसे राम सेतु बनाने में एक एक जीव ने अपना योगदान दिया था, इस वानर सेना की जिम्मेवारी है राम सेतु बना दो। एक पत्थर डॉक्टर भारद्वाज लिख के भी, MLA लिख के भी उस समुद्र में डाल दो। और ये विश्वास मैं लेता हूँ कि आपका दिया गया एक एक वोट डॉक्टर भारद्वाज को चंडीगढ़ में मेरी ताकत बनाने का काम करेगा। साथियों आज तो हमें डॉक्टर अशोक तंवर जी का भी साथ मिला, मैं उनका भी आभार प्रकट करूंगा कि हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन की लड़ाई में वो हमारे साथ आए। उन्हें यहाँ आना था पर दिन छिपने के कारण हेलीकॉप्टर सिरसा से नहीं चला, इसलिए वो हमारे बीच में नहीं आ पाए। मगर उन्होंने यही संदेश दिया है कि आज जैसे चौधरी देवीलाल जी ने एक मुहिम शुरू करी थी अजगर की, जाट गुजर राजपूत, साथियों आज स्टेज देख रहे और मैं वहां से शुरू करूं और अंत तक आऊं, 36 बिरादरी आज इस मंच पर खड़ी है। और साथियों इस 36 बिरादरी की जिम्मेवारी है, जो लोग हमें बांट रहे थे उन लोगों को आज जवाब देने का काम करो। और जवाब को तोप घोड़ों से देने का काम नहीं करना, ये ताऊ ने चाबी हवा में टंगा रखी है कि चाबी पे एक एक बटन दबा दियो। साथियों कितने बटन दबा दियो कि 24 तारीख को जब मशीन टी 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 करे तो फिर 75 पार नहीं इनको राजस्थान बॉर्डर पार कराने का काम। मैं तो अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं कहूंगा मान साहब को, मम्मन को, जितेंद्र को, एक बार खड़े हो जाए तीनों साथी। ये तीनों साथी है जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे, पर साथियों संसद के लिए इन मदम नहीं है, इन चारों साथियों ने त्याग तपस्या दिखाने का काम किया और डॉक्टर भारद्वाज के साथ आकर खड़े हुए। ये वादा भरी पंचायत में मैं करके जाता हूँ, अगर डॉक्टर साहब विधायक बनेंगे इनके पास एक घर में आएगा तो इनको 4 घर वाली ताकत। आपकी जिम्मेवारी, ये जो लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे, ये लड़ाई हरियाणा प्रदेश में कमेरे किसान का राज बनाने की, और इसके अंदर सबका योगदान है। मैं आ रहा था, जो रौनक आज व्यापारी साथियों के मुंह पे दिखी इस घड़ी के अंतिम छोर तक आने पर, मैं बधाई दूंगा भिवानी से तो इस छोटी काशी को कि परिवर्तन की अगर नींव, मेरे को तो जाकर सढ़ोरा जो अंतिम इच्छा है आपके अतीत जो अंतिम छोर यूपी की तरफ है। आज रामण चौधरी कल रात को मैं जाके आया, सिरसा डवाड़ी जाके आया, साथियों पूरे हरियाणा में एक माहौल बनता जा रहा है और इसके अंदर आपकी जिम्मेवारी है, खड़े होकर इस माहौल को मजबूती से बढ़ा दो। और ये विश्वास रखना कि प्रदेश के अंदर अब जो लोग 75 पार की बात कर रहे थे उनको भी जाकर बता दो कि बीजेपी जारी है, जेजेपी तुम्हारा मेरे साथ जोरदार नगाड़े लगाकर डॉक्टर भारद्वाज की ताकत को बढ़ाने का काम करो। साथियों वो तो कहते हैं ना भारत माता की जय, उनको बताओ कि हमारी वो धरती है जिसने तेरे की हुकूमत से लड़ाई लड़ी थी और इस नारे के साथ आगे बढ़ने का काम किया था। इंकलाब